महागठबंधन सरकार का फैसला, देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया, हिंदू संगठनों ने सरकार का किया धन्यवाद। महाराष्ट्र में अब देसी गायों को राज्य माता गौ माता के नाम से जाना जाएगा। ये निर्णय भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाली देवा भाव की महागठबंधन सरकार ने लिया है। इस संबंध में एक सरकारी अध्यादेश हाल ही में जारी किया गया है। महाराष्ट्र में देसी गायों की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए चरवाहों को देसी गायों के पालन के लिए प्रेरित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में देसी गायों के संरक्षण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये फैसला गौशाला की मदद के लिए लिया गया है, क्योंकि उनकी आय बहुत कम है। देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळा आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। ये योजना ऑनलाइन लागू की जाएगी। इसके लिए राज्य के हर जिले में गौशाला सत्यापन समिति होगी। वहीं इस फैसले से गौमेट सुरक्षित रहेगा, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की लंबित मांग पूरी करने के लिए महायुति सरकार को धन्यवाद दिया है।